नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द परफेक्ट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं पुरानी सीडी को किस तरीके से सेट करते हैं, और मैंने इससे पहले एक वीडियो इसी सीडी का बना दिया है और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लेना, इसका तैयार वीडियो मैं अभी लेकर आया हूँ। चलो देखते हैं वीडियो। वीडियो देखने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अगर हम बात करें घर के लोकेशन की, तो वो वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बता दी है, लेकिन एक बार फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो घर का जो मेन गेट है वो पूर्व साइड में है, और जो ये सीढ़ी की जो आपको दिख रही है जहाँ पे शीशा लगा हुआ था वो उत्तर साइड में है। तो इस तरीके से तो घर की लोकेशन है, और ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे प्लास्टर किया हुआ है तो वो जो साइड है ये यहाँ पे पहले शीशा लगा हुआ था। तो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि जो पिछले वीडियो में मैंने ये सब बताया था तो उसी का ये पूरा वीडियो उसी का है। तो ये मैं सबसे पहले जो आपको दिखा रहा हूँ ये है एक बाहर की साइड का भाग। तो इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको दिखा दिया मैंने ये जो बाहर का साइड है ये, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इस साइड से इस तरीके से ये इस साइड से तो बंद होता जाएगा और दोनों तरफ से वेंटिलेशन रहते रहेंगे और इस तरीके से ऊपर ऊपर चलते रहेंगे। तो इस तरीके से जैसे मान लो ये अपने को जो छोड़ना है दोनों तरफ वो इस तरीके से है। तो चलो ये हो गया अपना बाहर की साइड का काम। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की साइड का काम कि अंदर किस तरीके से सेट किया है और किस तरीके से बनाया है। तो वो सब के लिए है जो काम करते हैं उनके लिए भी है और जो काम करवा रहे हैं उनके लिए भी है। ये एक नॉलेज वाली बात है, अगर यहाँ पे किसी ने थोड़ी बहुत चूक की है, लेकिन मेरी उम्मीद है जहाँ तक आप तो इस तरीके से बचें। तो चलो देखते हैं अंदर की साइड। तो उसके बाद हम बात करेंगे, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है तो पहले था ये यहाँ तक कम था, इससे थोड़ा छोटा था ये, अब इसको बढ़ाया गया है। तो इसको यहाँ से जॉइंट किया है, जॉइंट आपको दिखता होगा, मैं नज़दीकी से आपको दिखा दूँ। उसके बाद जैसे मान लो ये यहाँ पे ये जो पहले बाउंड्री वॉल थी और अभी है, इसको हमने इसके नीचे क्या है कि जो, और ये यहाँ पे 9 इंच का इसके बीच में पिलर है, वहाँ पे भी 9 इंच का पिलर है, और इस तरीके से ये इसका चौकी टाइप का एक जो चोपड़ा होता है लैंडिंग है वो बन गया, और ये 4 इंच की दीवार यहाँ पे लगा दी, और ये आपको मैंने आप दिखा दिया। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर का और उसके सेकंड फ्लोर का। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सीढ़ी पे जब चढ़ते हैं तो उस टाइम में हमें उत्तर साइड में मुंह करके चढ़ना पड़ता है। इसके बाद जो मैं आपको जो दिखा रहा था कि जैसे मान लो ये जो दीवार दिख रही है आपको, यहाँ पे पहले शीशा लगा हुआ था, विंडो टाइप का था, क्योंकि इस साइड के अंदर जो है वो दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो वहां से जैसे मकान बनने हैं तो वो इसलिए यहाँ से बंद कर दिया गया है इसको। और जो हम बात करें जैसे यहाँ पे ये एयर पासिंग के लिए और रोशनी के लिए जो जगह की बात कर रहे थे वो इस तरीके से है। तो हमेशा मैं क्या है कि जो प्रैक्टिकल ही वीडियो होते हैं वो ही लेकर आता हूँ, थ्योरिकल वीडियो समझ में भी नहीं आते हैं आम आदमी के, और वो क्या है कि इस तरीके के थ्योरिकल बनते भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिकली वीडियो है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे ये एयर पासिंग के लिए हो गया, फिर ये अपना हो गया जो ग्राउंड फ्लोर है उसका स्लेब, और उसके बाद यहाँ से लेकर वहां तक हो गया ये इसका जो बाहर के टाइप साइड में जो छज्जा टाइप का दे रखा है उसके ऊपर एक पैरापेट वॉल भी बोल सकते हैं, या उसके बाद जो वहां से यहाँ तक की जो दिख रही है ये हो गया अपना एयर पासिंग का एक जगह। और ये ही दूसरा जो हम देखें तो साइड के अंदर जो है वो ये इस साइड में आपको दिख रहा होगा। तो अभी मैं आपको दिखा दूं सेकंड फ्लोर का। जैसे हम बात करें तो पहले ये जो था ये जो सीढ़ी का जो चोपड़ा होता है वो छोटा था, और अभी हमने इसको जॉइंट किया और आगे बढ़ा दिया। तो इस तरीके से फिर इसके बाद जैसे मैं आपको दिखा दूं कि ये अपना हो गया ग्राउंड फ्लोर, और इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चढ़ना होता है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ये सामने तो हमने बात की थी कि इस साइड पहले शीशा लगा हुआ था और वो हटा दिया गया था। इस तरीके से ये हो गई अपनी फर्स्ट फ्लोर की छत। तो अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे यहाँ से लेकर ये चोपड़ा हो गया अपना, और ये जो है ये सीढ़ियाँ
बन जाएंगी यहाँ पे और इस तरीके से हम छत के ऊपर आ जाएंगे। राधे राधे। अब उसी तरीके से जिस तरीके से नीचे एयर पासिंग के लिए रखा हुआ था उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक 9 इंच का पिलर आ जाएगा और उसके बाद जो यहाँ पे है वो विंडो टाइप की रह जाएगी, उसके बाद यहाँ से दीवार स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम, जैसे सेकंड फ्लोर हो या थर्ड फ्लोर हो या फोर्थ हो, कैसे भी हो, सब में इस तरीके से चलता जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे लेकर आऊंगा कुछ खास जानकारी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद, जय हिंद।